रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आगाज करते हैं एक नए ब्लॉग का, एक पार्सल के साथ। ये मुझे ग्रेब फैशंस की तरफ से पार्सल रिसीव ही हुआ है। मैंने मिशाल के लिए 3 फ्रॉक्स ऑर्डर किए थे, तो 1500 के बाद ये इनका जो डिलीवरी इनकी फ्री हो जाती है। तो 3 फ्रॉक्स मुझे 1800 की मिली। ये देखिए, बहुत ही प्यारा स्टफ़ है, विंटर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है और मिशाल को तो बहुत पसंद आई। और ये जो है, तो ये भी विंटर का ही स्टफ़ है, फुल स्लीव्स वाला फ्रॉक है। और ये जो है तो चेक वाला टॉप है, 2 पॉकेट्स थे इसमें। तो ये मुझे रीज़नेबल लगी क्योंकि ये सेल में थी, तो 1800 की 3 ड्रेसेस मुझे मिल गई। साथ में पैंट्स इसके हैं तो वो चल जाएंगी साथ में। अच्छा, मैं इसको इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि ये उल्टी साइड से भी आप देख लें। ये जो है तो वो जो वूलन कपड़ा होता है तो उसी से बनी हुई है और परफेक्ट है इस विंटर के लिए। स्टिचिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, सब कुछ ज़बरदस्त है और मिशाल को साइज़ भी परफेक्ट आया था। अच्छा, आप ये ना करें कि इस पे लिखा हुआ है कि 5 to 6, 6 to 7। मिशाल अभी 6 की नहीं हुई, लेकिन इनका जो ये 11 to 12 का साइज़ है तो वो इसको पूरा आता है। तो पहले हमेशा इंचेस में अपने बच्चे का के जो कपड़े हैं वो नाप लिया करें, उसके मुताबिक फिर जब वेबसाइट पे देखें तो साइज़ चार्ट देख के अकॉर्डिंगली मंगवाएं। अब ये 9 to 10 का इस पर पूरा हुआ है, तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ग्रेप्स फैशन। और ये हम शाम की चाय पी रहे हैं, साथ में कलरफुल पापड़, मेरे बच्चों के फेवरेट हैं। जी, तो मैंने जो लहसुन लगाया था, गार्लिक, तो वो अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। मैंने और भी लगाए हैं और ये देसी लहसुन है। और ये वो आर्टिफिशियल कुछ मतलब आर्टिफिशियल तो नहीं, लेकिन डेकोरेशन के लिए मिर्चों का एक पौधा होता है, तो इसके बीज भी बो दिए थे। तो आज हम बना रहे हैं चॉकलेट कपकेक। तो इसके लिए 1 कप आपने चीनी ले ली, 3/4 कप आपने दूध ले लिया, पैकेट का ही दूध लें, और वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून। ये मेरे बच्चों की बहुत फरमाइश थी कि आज हमें चॉकलेट वाले कपकेक बनाएं। तो बस ये इसमें डाल के, ब्लेंडर में डाल के बस इसको 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर दें ताकि चीनी का जो दाना है वो पिस जाए। उसके बाद इसमें 1 कप आपने कुकिंग ऑयल डालना है और इसमें 1 आपने एग यूज़ करनी है। एक ही एग से मैंने 24 कपकेक्स बनाए थे। और कोको पाउडर जो है तो वो 2 खाने के चम्मच 2 टेबलस्पून, तो ये डालें क्योंकि इसी से सारा टेस्ट आएगा कोको वाला। और एक एग को हमेशा चेक करें कि गंदा तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है। मैंने पहले चेक करके कप में फिर इसमें ट्रांसफ़र किया और इसको फिर से ब्लेंड कर लें, अच्छे से ब्लेंड कर लें। हाँ, 1 चुटकी इसमें नमक भी डाली थी मैंने, तो ये भी अलीज़ा इन द किचन जो है तो उनकी रेसिपी मैंने फॉलो की है। थैंक यू सो मच अलीज़ा, आपकी रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। ये मैंने बॉल में डाल दिया। इसमें हमने डालना है 1 कप मैदा और 1 कप के साथ 3/4 कप मैदा, यानी पूरा 2 कप नहीं बराबर करना। आपने 1 कप फुल डालना है और दूसरा जो है 3/4 का मतलब है के 3 हिस्से भरे हुए हों और 1 हिस्सा खाली हो। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता बस इससे स्पैचुला से बीट करना है, फोल्ड नहीं करना। और इसमें जाएंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर के। ये देखिए, 3/4 इतना होता है कि एक जो 3 हिस्से भरे हुए हों, 1 हिस्सा खाली हो। और हमेशा मैदे को छानना है, अच्छे से छानना है ताकि एक तो इस पर कोई गन वन ना जाए, दूसरे घुटलियाँ वगैरह भी रह जाएं। तो ये हमेशा अपनी आदत बना लें और इसको आहिस्ता आहिस्ता फेंटते रहें और इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल दें। बस आपका मिक्सचर रेडी है। इसमें विनेगर भी डालना था 1 टेबल स्पून, मुझे भूल गया था, बस वो मैंने नहीं डाला।
अच्छा, अब जो कपकेक की जो आपकी बेकिंग ट्रे है उसमें कपकेक लाइनर्स लगा दें, और ये पहले 12 बने थे, उसके बाद फिर 12, 24 पूरे बन गए थे। और बस मेरे पास तो बड़ा ये सालन का चमचा है एक्स्ट्रा, बस इसी से मैंने डाल दिए। आपके पास ज़रूरी नहीं कोई फैंसी बर्तन हो और सारी बेकिंग की चीज़ें हैं, बस जो आपके पास अवेलेबल है उसी से आप बनाएं। और ओवन नहीं है तो पतीले में बनाएं। मुझे तो नहीं आता पतीले में बनाने का तरीका, लेकिन यह है कि यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं। तो ओवन को प्री हीट करें 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद 170 डिग्री पे आप 15 मिनट्स के लिए बेक करें। तो बस इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो कपकेक्स तैयार हो गई, और घर में ये है कि साफ सुथरी चीज़ तैयार होती है और इकोनॉमिकल भी होती है। तो मैं बेकिंग सीख रही हूँ, मैं आसान आसान रेसिपीज ट्राई कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहा करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।